Hello students, as you know, I have taught you this poem, Character of a Happy Life, by Sir Henry Bottom. So I am going to explain you central idea of the poem, and in your examination you will get 6 marks in central idea. भाई आपको 6 marks जब central idea के मिलेंगे, it means कि आपको ये अच्छे से तैयार करना है. Let's start. In the poem Kavita, central character of a happy life by Sir Henry Bottom dwara likhi gayi kavita character of a happy life mein we learn that hum seekhte hain ki worldly positions sansarik uplabdhiyan and worldly success aur sansarik safalta are not necessary for a happy life. Ek acche jeevan ke liye avashyak nahi hai, matlab ye hua कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास सारी सांसारिक चीज़ें हैं, हर चीज़ है हमारे पास और हमें सफलता भी मिल गई है तो हम खुश हैं जीवन में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है. इफ़ अ मैन वॉन्ट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, अगर एक व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, उसे स्वतंत्र होना चाहिए. इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए एंड ट्रूथफुल और सच्चा होना चाहिए. यानी अगर एक व्यक्ति अच्छा जीवन लीड करना चाहता है, लीड मतलब बिताना चाहता है, तो उसे स्वतंत्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए. ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, जेलसी होता है ईर्ष्या, इलविल, इलविल होता है दुर्भावना, एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज़ और सांसारिक एंग्जाइटीज़ होता है चिंताएँ. ठीक है, तो उसे ईर्ष्या, दुर्भावना और सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए. He should be avoid, avoid होता बचना, all temptation, temptation means लालच, and fears और भय, उसे सारी लालच और डर से बचना चाहिए. यानी ना उसे लालच करना चाहिए किसी चीज़ का और ना ही उसे किसी चीज़ का डर होना चाहिए. He should be master of himself, वह खुद का मालिक होना चाहिए. ठीक है, खुद का मालिक मतलब जो उसका मन कहता है कि ये सही है, उसे सही काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में आके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए. कॉन्टेंटमेंट होता है संतोष, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म सम्मान आर द ग्रेटेस्ट वर्चूज़, वर्चूज़ होता है क्वालिटीज़ मीन्स गुण ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैन. एक खुश व्यक्ति के सबसे बड़े गुण संतोष और आत्मसम्मान होता है. तो बच्चों आप इसको सही से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लर्न इट.